अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम अपने केसिंग में, अपनी डेल की केसिंग में मदरबोर्ड को फिक्स कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपका बोर्ड ख़राब हो जाता है तो आप जो सा न्यू बाय करते हैं मदरबोर्ड जाके, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका मॉडल भी बताता जाऊँगा कि कौन सा इसका मॉडल है और क्या इसकी प्राइसेस है। यही समझ लें कि मैं आप लोगों के सामने 980 डेल ऑप्टीप्लक्स 980 का जोन सा वो मैं रिव्यू करूंगा आप लोगों के सामने और एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कैसे इसमें फ़िक्स होगी। तो बढ़ते हैं अब अपनी वीडियो की जानकारी। सबसे पहले मैं आपको इसका मॉडल दिखाता चलूं। इसका मॉडल जोन सा है वो 980 है, ठीक है, आपको नज़र आता होगा यहाँ पे ऑप्टीप्लक्स 980। तो मैं इसको आपके सामने करता हूं। उसके बाद ये देखें, ये बिल्कुल खाली है, इसमें यानी कि ये बिल्कुल एम्प्टी केसिंग है। ये अगर आपका भी कोई मसला आ जाता है मदरबोर्ड में या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप अपना न्यू जो सा वो बाय करते हैं मदरबोर्ड तो आप उसको कैसे इसमें फिक्स कर सकते हैं। 980 स्टैंडर्ड डेस्कटॉप है ये। तो उसके बाद मैं एक ये मेरे पास कोर i5 थर्ड जनरेशन है मेरे पास, ये मदरबोर्ड में लेके आया हूँ, तो इसको आपके सामने अनबॉक्सिंग भी करूँगा, रिव्यू भी आपको दिखाऊँगा और इसमें आपको फ़िक्स करके भी दिखाऊँगा। इसके बाद मैं जोन सा इसमें सप्लाई है इसकी, तो ये भी मैं लगाना सिखाऊँगा आपको कैसे ये लगा सकते हैं इसके अंदर। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब, स्टार्ट करता हूँ अपनी वीडियो को। तो ये देखें, ये मेरे पास एक ये जोन से पेज उन्होंने दिए हुए हैं और ये मदरबोर्ड और पावर सप्लाई के लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको फिक्स करूँगा, ठीक, आसान मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना लगे तो आप पहले मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं है ये फिक्स करना, बहुत ही आसान काम है। ये देखें, मैंने अपना जो सा मदरबोर्ड इसमें बिठा दिया है, तो अब इसको मैं जो सा पेज इनके खोल के यहाँ पे लगाऊं। अच्छा, ये मैंने कुछ पेज यहाँ से ले लिए हैं स्क्रू, तो उसको अब मैं क्या करूँगा, वन बाय वन जहाँ पर यहाँ पे मैं उसको एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप यहाँ पे इसमें पावर सप्लाई लगा सकते हैं। उससे पहले जो सी मैं इसमें सेटिंग करना चाहता हूँ, ये वाली जो सी वायर है मैं यहाँ पे फिक्स करूँगा, ठीक है, ये आपके सामने जो सी वायर एक फिक्स हो गई है। उसके बाद ये जो सी वायर है इसको मैं यहाँ पे इसके साथ फिक्स करूँगा। ये जो सी वायर थी ये USB पोर्ट वगैरह की थी और हमारे जो सा पावर को ऑन करने के लिए होती है ये वाली वायर। तो उसके बाद मैं सिंपली आप लोगों के सामने ये पावर सप्लाई यहाँ पे फिट करूँगा। तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे इसके पेच लगा देने हैं। तो आपको अब मैं प्रोसेसर भी लगाना सिखा देता हूँ इसी का, थोड़ा सा समझा देता हूँ कैसे आप इसको लगा सकते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा पास लेके जाऊँ, आप ये एरो देख रहे हो, तीर का निशान देख रहे हैं ये वाला कॉर्नर पे, तो इस पे और
इस पे भी एक तीर का निशान ही होता है। अगर ये चीज़ ना लोगों को समझ लगे तो इनमें जो है एक कट भी होती है, एक ये कट है और एक ये कट है। तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देना, उसके बाद आपने इस पे इसको इजीली, ये तो मेरा यहाँ के प्रोसेस है माशाल्लाह बहुत अच्छा प्यारा। और दूसरे के पीसी के में थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल करा के ये जो सा प्रोसेसर होते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे इसमें जो सा वो पेस्ट वगैरह लगाऊंगा, ये हीट सिंक पेस्ट होती है जो हमारे प्रोसेसर को मेंटेन रखती है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको इंजेक्शन के थ्रू यहाँ पे मैं पेस्ट लगाऊंगा। जब यानी कि आपको एक मैं बोनस वाली बात ये बता देता हूँ, जब आप लोगों का जो सा पीसी हैंग हो जाता है या हैक जिसको कहते हैं, तो वो इसी का प्रॉब्लम होता है। यानी कि अगर आपकी पेस्ट ख़त्म हो जाती है ना हीट सिंक में, तो वो इसी का प्रॉब्लम होता है। तो आप उसको लगाएं पेस्ट को, तो आपका जो सा वो मसला सोल्व हो जाता है। उसके बाद ये देखें भला ही है मेरा जो सा पीसी। अच्छा जी दोस्तों, जो सा मेरा हीट सिंक का पावर सप्लाई का और मदरबोर्ड का काम फिनिश हो गया है। अब जो सी इसकी वायर वगैरह बचती हैं वो आप लोगों के सामने इसके मैं कनेक्शन करूँगा, और आप इजीली और एहतियात से देखिएगा, ताकि अगर आप में अल्लाह ना करे कोई पीसी में प्रॉब्लम आ जाए तो आप खुद भी इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये जो सी वायर मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट करता हूँ, ये एक्चुअली फैन की वायर है यहाँ पे। तो उसके बाद ये छोटी सी जो सी है ये वायर को मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। उसके बाद ये मेरे स्पीकर की वायर आ रही है, इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद उसके बाद ये मेरे पावर सप्लाई की आ गई है बारी, तो यहाँ पे इसको मैं एडजस्ट करता हूँ ऐसे। ये जो सी एक वायर होती है वो यहाँ पे एडजस्ट करूँगा। और ये जो सी वायर है ये मेरी एक जहाँ की है ये मेरी दोनों हार्ड की हैं, और ये मेरी जो सी वायर ये यहाँ पे एडजस्ट होगी सीटी रूम के साथ, और इसके साथ जो सी एक ये भी रह गया, इसको मैं एडजस्ट करूँगा वायरिस। ये मेरा जो सा है और सारा सेटअप क्लियर हो गया। अब जो सी बारी है वो रैम की और साटा केबल की। अच्छा उसके बाद जो सी मैं साटा की केबल इसके साथ अटैच करूँगा। अभी मेरे पास फिल वक्त हार्ड अवेल तो है बट उसका स्टैंड नहीं है, तो ये इसको मैं बाद में एडजस्ट करूँगा यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं मेरी जो सी हार्ड है ये वाली, तो आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, बट इसका भी मेरे पास स्टैंड जो है वो अवेल नहीं है। तो इसको इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट पे लेके जाऊँगा, नेक्स्ट कर लूँगा इसको। उसके बाद जो सी मैं आप लोगों के सामने ये जो सी रैम ये मैं लगा देता हूँ, ठीक है। तो अगर प्रॉब्लम आता है, आपका जो सा पी सी वो बीप देता है यानी कि डिस्प्ले नहीं देता, तो उसका आपने एक मसला हल ये करना है कि आप लोगों ने उसको रेज़ कर देनी है अपनी रैम को। ये वाली जो सी रेज़ है आपने जो आम बच्चों के पास भी होती है, यहाँ पे आपने इसको फेर के तो इसको रिमूव कर देना है। जब आप रिमूव करेंगे और वापस इसी में अपनी सॉल्ट में लगाएंगे तो आपका जो सा मसला वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा।
तो सारा यहाँ के प्रोसीजर मेरा ख़त्म हो गया है। रैम लग गई है, सीडी रोम लग गया है, साटा केबल लग गई है, पावर सप्लाई लग गई है, मदरबोर्ड, हीट सिंक, एवरीथिंग लग गया है। सिर्फ एक हार्ड नहीं लगी, वो इंशाल्लाह मैं जब यूजिंग इसको करूँगा, यूज़ में लाऊँगा, तो इंशाल्लाह थोड़ा वो भी लगा के तो फिर यूज़ करूँगा। ये देखें, ये जो सब मेरा पीसी हो गया रेडी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यू विल इंजॉय माई दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।